नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। 30 मार्च को अचानक सोशल मीडिया टीवी चैनलों पर एक खबर चलती है, किस तरह से दिल्ली के निजामुद्दीन में कोरोना वायरस से ग्रसितों को छुपा कर रखा है। और उसके बाद जो अफवाहें सामने आती हैं, प्रचार प्रसार आती हैं, तो वो दूसरे ही ढंग से पेश करता है। और कहा गया इनके खिलाफ FIR भी किया गया 6 लोगों पर। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक गैदरिंग था, और उसमें यानी प्रोग्राम में एकजुट हुए थे, उसमें तकरीबन 2600 के आसपास लोग जो है आए हुए थे। अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे और देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए थे, या यूँ कहें रूटीन तबलीगी जमात करता है। और ये गैदरिंग जनता कर्फ्यू से पहले हुई, देश में जनता कर्फ्यू उनके प्रोग्राम के बाद में लगाई गई है। जो लोग बाहर के देशों से, राज्यों के अलग अलग जगहों से आए थे, वो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ में फंस गए थे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि फंस गए थे। प्रशासन शासन को पूरी जानकारी दी गई, मरकज में जिम्मेदारों ने उसके बाद ये कहते हैं कोरोना से ग्रसित लोगों को निजामुद्दीन मरकज में छुपाया है, छुपा कर रखा गया है। यही नहीं, टीवी चैनलों पर हिंदू मुस्लिम का भी रंग देने की कोशिश कर रहे थे। मामला क्या है, उसे बनाकर संवार कर कुछ अलग अलग जो है तरीके से आपको पेश किया गया। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, फेसबुक के ज़रिए ऐसे इस मरकज़ में जो लोग आए थे देश के अलग अलग जगहों से, वो लोग वीज़ा पर आए हुए थे और केंद्र सरकार प्रशासन के जानकारी में आए। और जब आए थे तब उस वक्त देश लॉकडाउन में नहीं था, और जब इनको जाने का हुआ उस वक्त 22 मार्च यानी जनता कर्फ्यू लगाया गया, उस दिन से ही लॉकडाउन शुरू हो गया। और आप कैसे कह सकते हैं छुपा कर रखा गया? कोरोना से ग्रसित लोगों को क्यों केंद्र सरकार अमित शाह इतना कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें ये पता नहीं हुआ बाहर देश से कितने लोग आए हैं? इस पूरे मरकज में कैसे हंगामा मचा, खतरे की घंटी कैसे बची जब एक 60 साल के एक शख्स की कश्मीर में मौत हो गई? वो यहाँ से लौटकर कश्मीर गए थे, उसके बाद से लेकर सिलसिला जारी है कोरोना से ग्रसित लोगों की, उनकी मौत होने का तमाम तरह की जानकारियाँ सामने आ रही हैं। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली में कोरोना का संकट है, कई मौतें हो चुकी हैं, देश के सभी हिस्सों में कोरोना को लेकर बिल्कुल अलर्ट है लोग जो है। इस अलर्ट से हम सब सहमत हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर एक सामने आती है बात, जो कोरोना से पीड़ित हैं क्या वही दोषी हैं? जब वीज़ा पर आए थे देश में तो सरकारों को नहीं पता था कहाँ पर जा रहे हैं ये लोग, सारी जानकारी थी। हम आपको सुनाते हैं सोशल एक्टिविटीज़ अनहद ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई एक शबनम हाशमी जो है वो क्या कह रही हैं। आप सुनिए निजामुद्दीन मरकज़ को लेकर क्या कुछ कहा है। 1981 में जब मैंने अपने एक्टिविज्म की शुरुआत की तो निज़ामुद्दीन बस्ती में मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था, और उस वक्त सबसे बड़े मेरे दुश्मन जिनको मैं मानती थी वो तबलीगी जमात थी, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव एक ग्रुप था जिनको लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने में काफ़ी परेशानी थी। और उसके बाद भी बहुत साल बाद मेवात में जब मैंने काम शुरू किया तब भी उनसे लगातार टकराव होता रहा। इन शॉर्ट, मेरी तबलीगी जमात से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मैंने उनके कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स को हमेशा चैलेंज किया है। लेकिन आज की तारीख में जो तबलीगी जमात पे हमला हो रहा है उसको मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि जिस वक्त मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई थी, जिस तरह से उन्होंने बगैर तैयारी किए हुए लॉकडाउन किया और करोड़ों जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो ऑर्डिनरी मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, वो सड़कों पे आ गए भूखे प्यासे, सैकड़ों किलोमीटर्स पैदल चल चल के उनको घरों पे वो जा रहे थे, और जिस तरह उन पे स्प्रे किया गया उस पे जो एक आउटरेज था पूरी सोसाइटी में, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक ये नया पूरा तबलीगी जमात का इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है। ये बात हम बिल्कुल मानते हैं कि वहाँ पे जो लोग आए बाहर से और वो वहाँ पे रह रहे थे, ये सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही थी। ये तो हमको पता चल गया था जनवरी में कि ये हो रहा है, तो स्क्रीनिंग क्यों नहीं शुरू हुई थी एयरपोर्ट्स पे? और जिस प्रोग्राम की बात हो रही है वो ऑफिशियल लॉकडाउन से पहले हो चुका प्रोग्राम। ऑफिशियल लॉकडाउन के बाद अगर किसी ने प्रोग्राम किया होता और उस वक्त ये सारी चीज़ें उठाई गई होती, तब तबलीगी जमात ने ऑफिशियली सारे पेपर्स रिलीज किए हैं
उन्होंने किस दिन पुलिस को लिखा, किस दिन उन्होंने गाड़ियां मांगी, किस तरह उन्होंने अपनी जगह खाली करवाई, और जो लोग वहां फंसे रह गए उनको किस तरह भेजा जाए, उसके लिए वो लगातार अपील कर रहे थे। तो ये जो फंसे रह जाने वाले लोग और छुपे रह जाने वाले लोग, ये जो पूरा वोकैबुलरी का नाटक हो रहा है जो हमेशा करती है राइट विंग, कि किन्हीं लोगों को आप कहते हैं छुपे हुए थे और किन्हीं को आप कहते हैं वह फंसे हुए थे। आप किसी विक्टिम को फंसे होने के बदले आप उसे ये कहें कि वो जानबूझ के छुपा हुआ था, या किसी का सर फिर गया है क्या जो जानबूझ के कोरोना वायरस फैलाएगा। इस तरह की बातें जो हैं ये बहुत ही घटिया स्तर की बातें हैं, बहुत ही बेहुदा बातें हैं, और बेहतर ये होगा कि सरकार इनके ऊपर रोक लगाए। और बेवजह जो है, जो चाहे वो ये जमात हो या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की हो, 23 मार्च तक तो आपकी पार्लियामेंट चल रही थी, आपकी पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे थे जो पार्टीज अटेंड कर रहे थे, तो आप किस तरह से आप किसी तबलीगी जमात पे आप कह रहे हैं कि जो उनका जो प्रोग्राम था जो आपके लॉकडाउन से भी पहले हुआ उसके ऊपर आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और वो विक्टिम है, जिसको कोरोना हुआ है आज की तारीख में वो विक्टिम है, उसका इलाज एक विक्टिम की तरह होना चाहिए, ना कि ये कि आप उसके ऊपर ही पूरा का पूरा अपराध थोप दें। ये पुराना तरीका है संघ का और आरएसएस का, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है जो आज ये हो रही है। और बावजूद इसके कि मेरी इन सारी जमातों से बहुत सारे इख्तलाफ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस तरह से जब पूरी कम्युनिटी को डेमोनाइज करने के लिए ये पूरा मोदी का जो कंट्रोल मीडिया है वो लगा हुआ है, मैं इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।